जनपद संभल के सपा के जिला कार्यालय पर आज से आह्वान नामक पत्रिका के वितरण का शुभारंभ किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सपा और भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों की तुलना को लेकर जारी की गई आह्वान नामक पत्रिका के वितरण का शुभारंभ आज से समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने बताया कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की जो सरकारें चल रही हैं, उन्होंने और सपा ने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए हैं उनको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक आह्वान नामक पत्रिका का विमोचन किया था, जिसे हमारे कार्यकर्ता साइकिल के माध्यम से बूथ लेवल पर पूर्व प्रधान बीटीसी मेंबर जिला पंचायत सदस्य और संगठन के सदस्यों तक पहुँचाया जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा केंद्र और प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश दिया है आह्वान नाम से, जो आह्वान किया है वो एक पत्रिका जारी की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके क्या किया अब तक। तो यह आह्वान नाम से पत्रिका है जिसका आज हमने शुभारंभ किया है वितरण करने का, जो लखनऊ से हमें प्राप्त हुई थी उसका आज हमने माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बुला के कहा है, इसको गांव-गांव जाके साइकिल द्वारा बूथ लेवल से लेके हम प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, जो संगठन है जितने भी, उनको सबको पहुँचाने का इस पत्रिका को हम लोग काम कर रहे हैं, जो आज से हमने पार्टी के जिला कार्यालय संभल से शुरू किया है और ये कार्यक्रम बराबर जारी रहेगा और हर कार्यकर्ता हमारा इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करते हुए इस पत्रिका को हर उस व्यक्ति को पहुंचाएगा जो कमजोर, पिछड़ा, दलित है और परेशान है। और ये पत्रिका ये साबित करेगी कि समाजवादी पार्टी में कितनी सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी में कितना झूठ है, उनके लोगों में कितना झूठ है, इसका कार्यक्रम